प्रोडक्ट सब्सिट्यूशन हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट यूज किया था वेन फार्मर इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोड्यूसिंग टू एग्रीकल्चरल आउटपुट और हमारी वहां पर एजम्पन क्या थी फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाई यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स और अगर उसको अपने रिसोर्सिस को शफल करना है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ दिज टू आउटपुट के इफ ही वॉन्ट्स टू चेंज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स And vegetable, तो उसको क्या करना पड़ेगा ही हैज मेक अफलिंग ऑफ रिसोर्सवीन द प्रोडक्शन ऑफ दिज टू आउटपुट और जब आप हम प्रोडक्ट सब्सिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और ये इनफेक्ट क्या है दिस इट रिपोर्ट द रेट एट विच फ्रूट प्रोडक्शन मस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बाई वन यूनिट और हम इसको डिफाइन करते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फ्रूट बिकॉज ऑफ चेंज इन वेजिटेबल एज वी मूव मूव अलोंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट इयर और एक और चीज भी जो कि हम यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में लू तो ये क्या होगा इट विल इंक्रीज एज वी मूव डाउन अलोंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट इयर अब इसी चीज को करने के लिए अगेन हम एक हाइपोथेटिकल टेबल ले रहे हैं जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और ये डिफरेंट कम्बिनेशन हैं जो कि एक फार्मर प्रोड्यूस कर सकता है बाय यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस और यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्यूट करने के लिए अब हम स्क्रीन पे मूव हो रहे हैं जब हम मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमने इसको डिफाइन किया था दिस इज चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ फ्रूट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन वेजिटेबल्स अलॉन्ग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और यहाँ पे ये सब मेरे पास ए बी सी डी क्या है दीज आर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेट अ फार्मर कैन प्रोड्यूस अब अगर फार्मर मूव करें फ्राम कम्बीनेशन ए टू कम्बिनेशन बी तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज डिक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन और डिक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन क्या है डीप फ्रूट प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय सेवन यूनिट्स और एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज इन वेजिटेबल बाय ट्वेंटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और अगर मैं इस पर यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट करूँ ये मेरे पास आ जाएगा माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी और अल्टीमेटली ये इक्वल होगा माइनस पॉइंट थ्री फाइव के टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल बाई वन यूनिट हैज़ हैजू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स बाय पॉइंट अब अगर इसी चीज को मैं फिर दोबारा एक दफा करूं विद रेफरेशन बी टू कंबिनेशन सी तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो देयर इज अगेन अगेंस्ट कम्बिनेशन बी फार्मर इज प्रोड्यूसिंग वन ट्वेंटी और अगेंस्ट कंबिनेशन सी ही इज प्रोड्यूसिंग हंड्रेड एंड नाइनटीन यूनिट ऑफ फ्रूट तो यहां पे कितना डिफरेंस आया कि यहां पे भी एक डिक्रीज हुई आपके पास प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स की और इस केस में ये क्या है इट इज इक्वल टू माइनस इसके लेकिन जब आप वेजिटेबल वाली साइड पे जाते हो तो वहां पे क्या हुआ अगेन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बाई ट्वेंटी यूनिट्स और अगर मैं इस पॉइंट में मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट करूं देन इट इज इक्वल टू माइनस नाइन ओवर ट्वेंटी और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस पॉइंट फोर फाइव के अलोंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर व्हेन प्रोड्यूसर मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट ही हैज टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल हाँ जी चले हम इसको एक और पॉइंट के लिए भी कंप्यूट कर लेते हैं कि ए फार्मर मूव्स along production possibility frontier from combination C to combination D. तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है When farmer moves from combination C to combination D, there is decrease in fruit production to increase the vegetable production. और यहाँ पे ये यह मेरे पास कितना decrease आया कि यहाँ पे आपके पास decrease observe हुई 11 units of fruits की और लेकिन वेजिटेबल की प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना ही अगेन इट इज इक्वल टू ट्वेंटी और अगर मैं सारे को कंप्यूट करूं के मूवमेंट फ्रॉम कंबिनेशन सी टू कंबिनेशन डी बिटवीन दीज टू पॉइंट प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव फाइव के टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बाई वन यूनिट फार्मर हैजू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट बाई माइनस पॉइंट फाइव फाइव यूनिट और इसको हम बाकी सारे जो डिफरेंट कम्बिनेशन है मुझे उम्मीद है कि आप इसको कंप्यूट कर सकोगे बाई यूजिंग द सेम मेथड फॉर द ऑफ मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट दिस पॉइंट बी सी डी हाँ जी अब हम इस टेबल में आपके पास मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट किया हुआ शो कर रहे हैं अगेंस्ट डिफरेंट कम्बिनेशन अलॉन्ग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर और इस मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देख के आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन टर्म्स एज वी मूव फ्रॉम कंबिनेशन ए टू जे मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है इट इंक्रीजेस इनिशियली क्या है वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज स्मॉल बट एट दी कि जब आप जे कंबिनेशन की तरफ मूव कर रहे हो तो ये मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज क्या हो गई इंक्रीज हो गई और मैं यहाँ पे पहले ही बात कर रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स अब अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ की फॉर्म में शो करें तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगेन दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट इयर एंड इफ वी कंप्यूट के जी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी बिटवीन कम्बिनेशन ए टू बी इट इज इक्वल टू पॉइंट थ्री फाइव बिटवीन कंबिनेशन बी टू सी ये मेरे पास क्या थे इट इज इक्वल टू माइनस पॉइंट और बिटवीन बिटवीशन सी टू डी ये क्या इट इज इक्वल टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज एबसलो टर्म्स में रिपोर्ट कर रहा हूँ जी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एज वी मूव डाउन फ्रॉम कंबिनेशन ए टू कंबिनेशन डी देयर इज इंक्रीज इन मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियली क्या था जब बिटवीन कंबिनेशन ए टू बी प्रोड्यूसर ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सब्सटी पॉइंट थ्री फाइव यूनिट ऑफ फ्रूट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेजिटेबल बिटवीन सी एंड डी क्या रहा है कि ही प्रोड्यूसर हैव टू ऑफ वेजिटेबल और इस सारे की बेस पे हम एक चीज यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं कि एज वी मूव डाउन अलॉन्ग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल इंक्रीज और ये आपके पास कह लें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब आप हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट पे पहुंचोगे